जितने भी लोग अभी पाकिस्तान से यहाँ पे यूएई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी नई ट्रैवल अपडेट आई है। अगर आप लोगों के पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ सिंगल नेम है, एक ही नाम मेंशन है, तो आप लोगों को यहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी। ये अभी एयरलाइन की तरफ से नई अपडेट आई है। अभी अगर आप लोग एक हफ्ता पहले की बात करते हैं तो कुछ ट्रैवल अपडेट्स आई हैं, कुछ ट्रैवल के जो रूल्स हैं उसमें चेंजेस हुई हैं। इससे पहले इंडियन नेशनल्स के लिए सेम इशू हुआ था कि जिन लोगों के पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ एक सिंगल नेम था। सिंगल नेम का मसला क्या होता है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर दो नाम होते हैं, नाम एक होता है गिवन नेम, एक होता है सर नेम। अगर आप लोगों के पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ गिवन नेम है और सर नेम एम्प्टी है, खाली है, या सर नेम है और गिवन नेम एम्प्टी है, दोनों में से सिर्फ एक नाम मेंशन हुआ है, तो आपको अभी यहां पे एंट्री अलाउ नहीं की जा रही है। ये पहले इंडियन नेशनल्स के लिए भी उनकी एयरलाइंस ने सारी अपडेट दी थी। अभी कल ही ये अपडेट आई है कि पाकिस्तानी नेशनल्स भी जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वहां से, पाकिस्तान से यहां पे यूएई के अंदर, उन लोगों के पासपोर्ट के ऊपर वो मेक श्योर कर लें कि दोनों नाम मेंशन है। अगर दोनों में से नाम एक भी मिसिंग है तो एंट्री अलाउ नहीं की जा रही है। अभी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली वो लोग जो कि विजिट वीजा के ऊपर है, जिनका वीजा आ गया या जिन्होंने वीजा अप्लाई करना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही बताया था, अगर आप लोगों ने वीजा अप्लाई करना है तो उससे पहले ही आप लोग अपना पासपोर्ट देख लें। अगर आपका पासपोर्ट के ऊपर एक ही नाम मेंशन है तो आप अपने पासपोर्ट को पहले अपडेट करें, उसमें नाम अमेंड करवा लें और उसके बाद आप नए वीजे के लिए अप्लाई करें। और जिन लोगों का वीजा ऑलरेडी अभी आ चुका है, जो कि अभी ट्रैवल करने के चक्कर में है, उनको एक चीज मेंशन कर लेनी है कि वो अपनी एयरलाइन को कॉल कर ले। अगर आपके पासवर्ड के ऊपर दोनों नाम मेंशन है देन कोई आपको कोई भी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका वीजा आ गया है और आपके पासवर्ड के ऊपर सिर्फ एक ही नाम मेंशन है, तो आप जिस एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं उसको कॉल करें, उनको बताएं जी मेरे पास ये वीजा है और मेरे पासपोर्ट के ऊपर ये नाम मेंशन है, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग टिकट बुक करने के बाद जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, रोका जाता है आपको, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ये हो रहे हैं कि ये नहीं कि वहां से आपको यहाँ अलाउ किया जा रहा है। इंडिया में भी यही सोचता कि इंडिया में उन्हीं एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट या दूसरे एयरपोर्ट पर ही रोका जा रहा था। और पाकिस्तान के लिए भी अभी यही होगा कि जो भी आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे ही चेकिंग होगी और वहां से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपनी जो भी एयरलाइन है उसे कॉल करें, अगर वो आपको कंफर्म करते हैं तो वो कुछ आप एक एविडेंस रख लें। लेकिन जो रूल्स है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग भी इसको खुद भी देख लें। और इनका एक डिटेल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाके पढ़ ले, रादर देन जस्ट पैसे वेस्ट करने के बाद फिर टिकट रिफंड करें या नॉन रिफंडेबल टिकट है तो फिर आपके सारे पैसे जाएंगे। तो ये छोटा सा काम आप लोग पहले कर ले, स्पेशली वो लोग जो भी यहाँ पे विजिट वीजा के ऊपर आने का अभी प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा टाइम टू टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।